हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन नॉलेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर का रैम कैसे पता करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग माय कंप्यूटर पर आएंगे। माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें यहाँ पे इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, 4 GB का है ये, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। 1.89 GB यूजेबल है, बाकी ये फ्री है, मतलब खाली है। किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर का इसी तरीके से हम उसका रैम चेक कर सकते हैं। विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, माय कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जो कि इसमें ये सब प्रोसेसर भी लिखा हुआ है। इंटेल प्रीमियम है ये N350 है, मतलब ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा 3rd जनरेशन हुआ। 2.16 GHz का है ये प्रोसेसर। इसमें रैम 4 GB का रैम लगा हुआ है, जो कि 1.89 GB भरा हुआ है और बाकी खाली है। 32 bit का है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।